अभी बीच रास्ते में एक जगह दिखी तो सोचा रोके, बहुत अच्छी जगह लग रही है। ये है रानी ताल, इसको आप जरा देखो कितनी खूबसूरत जगह है। पर जो भी कहो यार, हिमाचल हो जाए उत्तराखंड हो जाए, इसके अंदर नेचुरल ब्यूटी तो बहुत है, बहुत है नेचुरल ब्यूटी। ये देखो कितने साफ सुथरी जगह है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये जो सामने वीडियो बना रहे हैं ना, ये भैया हैं जिनके साथ आया हूँ मैं, अजू भैया, ये बता रहे हैं कि ये जो है ना पहाड़ आप देख रहे हो जो सामने, ये स्लेट के पहाड़ हैं। अब मैंने भैया से पूछा भैया स्लेट का क्या मतलब हुआ, तो कहती जो घरों पर छतें नहीं बनती, जो एस्बेस्टोस टाइप की छतें बनती हैं, ये पहाड़ जो हैं इन वो जो बेसिकली जो छतें हैं वो इन पहाड़ों से बनती हैं, इन पहाड़ों के मटीरियल से। ये है स्लेट के पहाड़। और ये है छोटा सा एक खाने पीने के लिए स्नैक्स टाइप का, हम कुछ खा नहीं रहे तो हम ऑलरेडी खा चुके हैं। एक घंटे की दूरी पे हम लोग यहाँ से मैकलोडगंज के आसपास से। इस डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं भैया? कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है इस समय। देखते हैं यार कैसा फील होता है, कैसा लग रहा है ऊपर? बहुत बढ़िया। गाड़ी भाई पीछे से रोड चल रही थी का। हेलो, हाँ बोलो भाई बोलो। अब आप देखो यहाँ से, जहां पर भी देखोगे, यहाँ पे जिधर भी देखोगे, ये सब स्लेट के पहाड़ है। और यहाँ से वहां का व्यू देखो आप, जो लोग वहां उस गांव में रहते होंगे, ये कितनी अच्छी जगह रह रहे हैं, एकदम ऐसे रहता है जैसे जन्नत में रह रहे हैं, स्वर्ग में। हम लोगों को कभी कभी देखने को मिलता है। आ जाओ, ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है कांगड़ा फोर्ट। अभी धर्मशाला जाते हुए रास्ते में ये दिखाई दिया, भैया ने बोला इसको रोक के देखते हैं, मैंने कहा देखें एक बार जरा है क्या चीज़ है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। ये जो कांगड़ा फोर्ट है ना, ये दिस इज़ नोन टू बी दी ओल्डेस्ट फोर्ट एवर, ओल्डेस्ट फोर्ट एवर। मतलब ये बोलते हैं दिस इज़ 4th century AD, मतलब 3500 साल पुराने के आसपास बताया जाता है, इफ़ यू रीड विकीपीडिया या गूगल पे आप देखोगे। और ये कटोच डायनेस्टी जो है ना, उनके राजा थे, उन्होंने बनाया था। और ये भी सुनने में आता है कि इसकी जो बारे में ना, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी महाभारत में भी मेंशनड है। तो इज़न दिस अमेजिंग यार, आप देखो इंडिया के अंदर कितना कुछ है जो अनएक्सप्लोर्ड है, ये मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया था आज तक, अब जा रहा हूँ तो पता चल रहा है। और कितना सुंदर एरिया में है ये, आप ये देखो। अब इस तरह के फोर्ट में अगर कभी कोई दूसरा राजा चढ़ाई करने की कोशिश करता तो क्या वो कर सकता था? आई डोंट थिंक सो ये कर सकता था। शायद इसलिए हमारे इंडिया के फोर्ट्स इतने मिस्टिक, मिस्टीरियस, प्लस इतने सेफ थे उस समय के राजाओं के लिए। वेरी नाइस, अमेजिंग। इस फोर्ट में मैं अभी तो नहीं जा रहा हूँ, बट कभी ना कभी इस फोर्ट में ज़रूर आऊँगा और फिर आपको इसके बारे में भी बताऊँगा जल्दी। ये है चामुंडा देवी मंदिर। भैया बता रहे थे ये, मतलब मेरे को नहीं पता, बट जितना बताया गया है यहाँ पे लोगों ने, वो ये है कि ये 52 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पे माता रानी ने चंड और मुंड दो राक्षस थे जिनका वध किया था। हमने यह गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, आ जाओ अब आगे प्रसाद लेते हैं और फिर माता रानी के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। आ जाओ, अब ये अंकल जी बता रहे हैं, ये आइसक्रीम देखें आप जरा एक बार के लिए, ये कह रहे हैं इसमें बर्फ की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे जमाते हो आप अंकल जी इसको? जमती आग और पानी से है जी। आग और पानी से? तो ठंडी कैसे? आग और पानी से कैसे जमती है आइसक्रीम? अंग्रेजी ने सबसे पहले चीजें बनाई ना, उसके बाद रिकॉर्ड वगैरह बने, सबसे पहले ये चलती थी। सबसे पहले चलती थी, तो आप कैसे करते हैं इसको? पत्ते में रख के घुमाते रहते हैं? नहीं जी, इसकी मशीन होती है, मशीन में जमाते हैं बिना फ्रिज के। हाँ जी। क्या कहते हैं इस आइसक्रीम को? मलाई बर्फी। मलाई बर्फी, चलो आके खाते हैं जरा एक बार। जूते घर में आके जूता अपना जमा कराते हैं, फिर आगे चलते हैं।
और जाते हुए कोशिश करूंगा एक बार आइसक्रीम खाते हैं, देखते हैं क्या चीज ये जो बिना बर्फ के जमती है आग से आइसक्रीम, आग और पानी से, आग और पानी से आइसक्रीम जमते हुए समझ में नहीं आया कुछ अभी तो। जय माँ चामुंडा देवी। चल रहे हैं अब अंदर दर्शन करके, अंदर स्नान का भी है, उसके बाद में फिर आगे जाएंगे। अच्छा मार्केट थी, मार्केट से आगे जो पौड़ियां उतर के हम मंदिर जाते थे जो बिल्कुल सामने मंदिर आते। अच्छा तो थोड़े टाइम में 2-3 साल में सारी कंस्ट्रक्शन हो गया। तो भैया ये बता रहे हैं कि जहां आप इस समय मंदिर का ये देख रहे हो ना सारा, ये सब पहले मार्केट होता था, मार्केट थी, धर्मशाला थी, धर्मशाला थी। और अभी 2-3 साल में भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे ये सारा मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ और अब बना है। काफी लाइन है लेकिन आगे से चल के कवर करो फिर बीच में ज्वाइन कर लेना हमें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, यहीं से एक एक करके धीरे धीरे चलते हैं, यहीं से दिखा देते हैं। अब मंदिर के मेन दरबार के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं आगे स्नान करने। ये अच्छा था कि सुबह याद आ गया, साथ में हम टॉवल वॉवल ले आए वरना वो भूल जा रहे थे हम लोग। अभी जाएंगे आगे। चलो भैया बढ़े आगे। ये क्या चीज है? मतलब जिनको अपना घर बनाना होता है ना तो वो ऐसे ईंट ऐसे रखे जाते हैं। हाँ? हाँ? अच्छा ये जो विशेष होती है आगे वेरी सिग्निफिकेंट। तो जो बता रहे हैं ये जो लोग बना रहे हैं ना घर, ये बेसिकली जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं ना वो यहाँ पे ईंट से अपने पत्थर बना से घर बना के विश मांगते हैं कि इनका घर बन जाए, और घर बनने के बाद आके ये हटाते भी होंगे फिर। ये इसके बाद हटाते भी है क्या घर आके अगर बन जाता है घर तो? ओके अब आए हम लोग बाहर नदी में, जैसे मैं बोला था ना बहुत यार अच्छा लगता है देखने में, मतलब वहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे जगह जगह पे इतना सुंदर सब कुछ, इतना सुंदर सब कुछ। जो यहाँ के लोकल्स होंगे उनके लिए तो एक नॉर्मल बात है, बट हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए जब भी मेरे को मौका मिलता है ना मैं ऐसी जगहों पर आ जाता हूँ कुछ समय बिता लेने के लिए। आज मौका मिला जैसे आज आ गया। ये देखो ज़रा कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये जो नदी की आवाज़ है ना इसको तुम खड़े होके सुनो अगर तो इतना अच्छा इफेक्ट डालती है, मतलब बिल्कुल शांत हो जाता है दिमाग यार, बिल्कुल शांत। ये जो आवाज़ है जैसे तुम इतनी अच्छी लग रही है ना आप मान नहीं सकते, आराम से बैठ जाओ इस आवाज़ को ही सुनते रहो, उसी से आपकी इतनी टेंशन्स दूर हो जाती हैं। शहरों में तो नलकों का आवाज़ आती है ना, नलकों के पानी की बाल्टी में गिरते हुए की, बट ये जो नेचुरल पानी की आवाज़ है ना बहते हुए की बहुत सुंदर। और अभी मैंने लेफ्ट पे देखा हमारे, आप दूर देखो तो यहाँ से आपको बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, ये देखिए गर्मी के मौसम में भी इतनी बर्फ है यहाँ पे दूर। वहाँ तो नहीं जाएंगे हम, बाद में जरूर जाऊँगा कभी, बट अभी यहाँ से नज़ारा देख के ही अच्छा लग रहा है यार। बहुत ऊँचे पहाड़ हैं वो, बहुत सुंदर भी लग रहा है देखने में। अब चलते हैं नीचे नहाने के लिए। अब यहाँ पे मैगी भी बन रही है, मतलब दर्शन करो नहाओ साथ में मैगी खाओ। वहाँ पे खत्म हो कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, पहाड़ों की मैगी की अलग ही बात होती है। वो शायद इसलिए भी है क्योंकि हम लोगों को भूख लग रही होती है और यहाँ आते हैं मैगी दिखती है तो टेस्ट अच्छा लगता है। हाँ हाँ जाओ जाओ, अच्छी खासी बना रहा। मेरे को ऊपर वीडियो बनाने के लिए क्यों छोड़ गए?
आराम से। Enjoy। आजा। अब ये वाली आइसक्रीम जो सुबह देखी थी ना, जो पानी और आग से बनती है, वो खा के देखते थे। ये वही आइसक्रीम जो बिना बर्फ के बनती है, बिना बर्फ के बनती है, देखते हैं जरा खा के कैसी है। आग और पानी से वो कैसे बनती है? आग और पानी से हाँ जी फाड़ना पड़ता है केमिकल। केमिकल ये केमिकल से बनती है? हाँ निकालना होता है ना केमिकल इसका। अच्छा अमोनियम लीक कर पड़ा आपने? नहीं अस्पताल जाता वो। अच्छा कितनी करनी है? बस 50 ही करिए आप। वो फ्रिज में डालती है? फ्रिज में वो चलती है गैस। अच्छा पर वो कम डिग्री की होती है ना। अच्छा फ्रिज में जो है ये हमारे 40% चलती है, 40% ठीक है। लो जी देसी चम्मच तैयार। बस एक ही भैया हम आगे बताते हैं आपको कैसा कैसा लग रहा है। ये 25 रुपए का जो कुल्फी जैसी है, जैसे कुल्फी होती है, दूध तो थोड़ा सा काट देते हैं कुछ वैसे सही। नाम क्या है? इसका नाम है मलाई बर्फी। मलाई बर्फी वैसी है कुछ दूध का, जैसे फ्रीजर में बनाया काट के उसके साथ है।